अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पर नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तकरीबन 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। मौशी सूरतेहाल जो इस वक्त पाकिस्तान के हैं, इसमें अवाम का जीना मुश्किल होता जा रहा है। और यहाँ पर सवाल एक बहुत अहम हो गया है कि नौजवानों का मुस्तकबिल किस चीज़ के साथ वाबस्ता है। क्या उनको मुलाजमतें इख्तियार करनी चाहिए या फिर कारोबार की तरफ बढ़ना चाहिए। आज जानेंगे हम बनाम सरकार। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट से और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा जो मुल्की मौशी सूरत हाल है उसमें नौजवान कितने पुरुमीद हैं कि उनका मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? अबरार। अच्छा अबरार, ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं? मैं BA स्पेस साइंस कर रहा हूँ। स्पेस साइंस कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पेस साइंस के काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ गाइड किया गया होगा कि हमारे मुल्क में इसका स्कोप ये है, तो आप कोई स्कोप देखते हैं इस डिग्री का? जी बेसिकली पाकिस्तान में तो इसका स्कोप इतना ख़ास नहीं है, लेकिन ये जो डिग्री है इसके करने के बाद हम रिमोट जॉब कर सकते हैं। घर में बैठकर हम किसी अमेरिका की कंपनी में या कनाडा की कंपनी में, किसी भी कंपनी में हम जॉब कर सकते हैं, या इसके रिलेटेड हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से बाहर से जो डॉलर हैं वो पाकिस्तान में आएंगे, तो इसके लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर। क्योंकि आप समझते हैं कि बिज़नेस के लिए यहाँ पर साजगार माहौल है, आपको ईजिली लोन्स जो हैं वो मिल जाएंगे? अगर डिपार्टमेंट के हवाले से देखें तो डिपार्टमेंट तो इतना हमें नहीं करेगा वो सपोर्ट, लेकिन अगर आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो तो हम अपनी कोई कंपनी बना के अपनी सर्विसेज जो है ना वो दूसरे कंट्रीज को तो भेज सकते हैं। क्या प्लान किया हुआ है आपने कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? ये तो इन्वेस्टर होते हैं पाकिस्तान में, ये तो हमें पता है, तो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं फेसबुक में, लिंक्डइन पे, वहाँ पर आपको इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, तो ये तो इतना इशू नहीं होगा। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि बैंक आपको अपने लिए लोन्स दे, स्टूडेंट्स को लोन दे? ये तो बहुत बेहतर चीज़ है अगर ऐसा हो तो। तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो कारोबार करना चाह रहे हैं उनको कम इंटरेस्ट रेट पे जो है वो लोन्स दिए जाएं ताकि वो अपने कारोबार कर सकें। और क्या आप समझते हैं कि इस तरह से मुल्क जो है वो हमारा ज़्यादा, हमारी मौशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? जी बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि इसी चीज़ के ऊपर भी जो है ना थोड़ी तवज्जो दे। लेकिन अगर स्टूडेंट को इन्वेस्टमेंट मिल रही है हुकूमत की तरफ से और बहुत लो इंटरेस्ट है, तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो अपना बिज़नेस स्टार्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो क्या इसके लिए आप समझते हैं कि हुकूमत को क्या क्या करना चाहिए? बैंक्स की पॉलिसी आसान करनी चाहिए, बैंक्स ज़्यादा करने चाहिए, मतलब कंपैरेटिव टू हम दूसरे ममालिक में देखते हैं कि वहाँ पर बैंकों की तादाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि बैंक्स में कॉम्पिटिशन होता है। बैंक्स में जब कॉम्पिटिशन होगा तो वो आवाम के लिए सहूलियात देगा, आवाम को कम इंटरेस्ट रेट पर कर्ज़े फराहम हो सकेंगे, तो हमारे मुल्क में जो हमारी हुकूमतें हैं उनको ऐसा करना चाहिए? जी बिल्कुल, इनको ऐसा करना चाहिए। जो कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, हमें चाहिए कि हम उनका पैटर्न फॉलो करें, जो वो जिस तरीके के साथ वो कामयाब हुए हैं हमें भी चाहिए कि उनके तरीके को फॉलो करके हम भी कामयाब हो जाएं। ठीक, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। नाम क्या है आपका? अब्दुल कदीर। अच्छा अब्दुल कदीर, ये बताएं कि आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? मैंने अभी रिसेंटली बैचलर्स किया स्पेस साइंस में। स्पेस साइंस? हाँ जी। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। हाँ जी। अच्छा, अभी जो मुल्की मौशी सूरत हाल है इसमें आप अपनी स्टडीज़ के लिहाज से कोई स्कोप देखते हैं? स्टडी के लिहाज से स्कोप है लेकिन बहुत कम है। तो फिर आपने ये क्यों चूज़ किया? बस जब चूज़ की तब इतना आइडिया भी नहीं था, तो सोचा डिफरेंट फील्ड है, स्पेस साइंस कभी सुनी नहीं थी, इसमें चलते हैं, तो लेकिन जब ज्वाइन किया, अभी कंप्लीट किया, अब थोड़ा सा देखा तो अब पता चला है कि स्कोप है लेकिन बहुत लिमिटेड सा है। ठीक, तो अभी जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है उसमें आप क्या समझते हैं कि जो नौजवान हैं उनको कारोबार करना चाहिए या जॉब्स की तरफ जाना चाहिए? नौजवानों को कारोबार ही करना चाहिए, जॉब तो मेरे ख्याल में तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है कि जॉब और वो, क्योंकि जब इस्लाम ने कह दिया कि जो 9 हिस्से हैं वो तिजारत में और एक हिस्सा इसमें है, तो फिर डेफिनेटली कारोबार बेस्ट है। अगर आप ये समझते हैं, अफोर्ड करते हैं कारोबार, तो आप कारोबार करें, अगर नहीं तो आप लिमिटेड टाइम के लिए जॉब करें, कुछ इन्वेस्ट करें, फिर उससे अपना बिजनेस करें, ये बेस्ट है। ठीक है, लेकिन आपने साथ ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि अगर आप अफोर्ड करते हैं। हाँ जी। तो जो अफोर्ड नहीं करते। हाँ जी। जो नौजवान जो हैं वो अफोर्ड नहीं करते, उनको क्या करना चाहिए? उनको जॉब्स वो फिर कुछ जॉब्स करें लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ थोड़ा सा साथ साथ पैसा जोड़े, इन्वेस्ट करें, तो फिर उससे अपना। तो इसमें आप रियासत की क्या जिम्मेदारी समझते हैं कि रियासत को कहां पर गाइड करना चाहिए?
स्टूडेंट्स को गाइड करें, सेशंस करवाएं हर डिपार्टमेंट में कि स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं लेकिन उनको यही नहीं पता मैं स्पेस साइंस पढ़ रहा हूँ, मेरा क्या स्कोप है। वो जब डिग्री मिलती, ट्रांसक्रिप्ट मिलता है, तब वो लेके निकलता है, उसको पता चलता है कि यहाँ तो मैं जा नहीं सकता, फिर वो मायूस होते हैं। फिर आपने भी देखा होगा स्टूडेंट्स घूमते हैं, जॉब मार्केट भी नहीं ओपन, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है एफएससी के बाद से गाइडेंस होनी चाहिए, बल्कि मैट्रिक के बाद से, कि अगर आपने ये करना है तो आप इस लाइन पे अभी से लग जाओ। एफएससी करते हैं जैसे हमारे साथ, स्टूडेंट्स को छोटे छोटे कर्जे नहीं दिए जाने चाहिए ताकि वो अपना कारोबार कर सके। हाँ जी, ये भी ऑप्शन है, कर्जे दिए जाएँ स्टूडेंट्स को, बिल्कुल, जिसके पास जैसे जो तो अफोर्ड करता है वो खुद से करे, जो नहीं है उसकी रिक्वायरमेंट्स रखें उसके मुताबिक उसको दें। ठीक, बहुत शुक्रिया। नज़रीन हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी ठीक है। नाम क्या आपका? फहद। अच्छा फहद, कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक है? मेरा हेले से। हेले से क्या पढ़ रहे हैं आप? बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो जो मौजूदा मुल्की मौशी सूरत हाल है उसमें आप अपना स्कोप क्या देख रहे हैं? जी मैं यही देख रहा हूँ कि मुल्क के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, जैसे कि इमरान खान, नवाज शरीफ, पॉलिटिकल जो हैं ये लोग सियासी, इन्होंने मतलब अपने मुताबिक हर चीज़ चलाई हुई है। अगर चीनी है और आटा है ये उनकी मतलब स्टोर कर लेते हैं, उनकी प्राइस ज़्यादा कर देते हैं अपने हालात के साथ, अपनी सियासत के साथ। इसमें हमें ये करना चाहिए कि हम यानी जो हमारी जो सियासी सूरतेहाल है उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक मौशी सूरतेहाल से है, और सियासी पे यकीनी ख़त्म हो जाए तो ये मौशी सूरतेहाल भी बेहतर हो जाएगी। अच्छा सवाल मेरा आज का ये है कि जो नौजवान हैं इस वक्त, उनको कारोबार करना चाहिए या मुलाजमतों की तरफ जाना चाहिए? या पाकिस्तान में ये है कि जब हम किसी जॉब पर अप्लाई करते हैं ना, या जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं। जैसे कहीं कोई मिसाल के तौर पर इंटर के बच्चे चाहिए, वहाँ एमफिल के भी कर देते हैं अप्लाई, और वो फिर वहाँ जो है उनको चांस नहीं मिलता, इसलिए हमें अपना कारोबार करना चाहिए। सीट्स कम है और बेरोजगारी ज्यादा है, लोग ज्यादा अप्लाई कर देते हैं और हमारे पास जो सीट्स वैकेंसी होती है वो कम होती है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? कारोबार करना चाहिए। कारोबार करना चाहिए। तो कारोबार किस तरह से होगा, क्योंकि हर बंदा कारोबार तो अफोर्ड नहीं कर सकता, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं। बेसिकली बात ये है कि आजकल जो है ना कारोबार रियल एस्टेट का बहुत अच्छा जा रहा है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उससे सीखते हैं, तो आप उसमें आपका ये होता है कि आपकी मार्केटिंग है, उसमें आपको किसी चीज़ के पैसे वगैरह नहीं चाहिए, आप किसी भी ऑफिस में जाके बैठ सकते हैं। हमारा भी प्रॉपर्टी का काम है, हम किसी मतलब किसी कस्टमर को ढूंढते हैं और अपना एक इन्वेस्टमेंट करने वाला इंसान ढूंढते हैं, जिससे वो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम कस्टमर को बेच देते हैं, उससे हमें काफ़ी मुनाफा हो जाता है। लेकिन आप इन्वेस्टर ढूंढते हैं तो हाँ, क्या ये बेहतर नहीं होना चाहिए कि हुकूमत आपको ऐसी फैसिलिटीज़ दे कि आप खुद इन्वेस्ट कर सकें? आसान कर्जे दे, आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएँ, जो बैंक्स हैं उनकी उनकी जो एक्सेस टू कैपिटल है वो आम आदमी तक मुमकिन हो सके। ऐसा भी कुछ होना चाहिए जिससे मतलब कोई 5 लाख 10 लाख लोन मिले, जिससे लोग अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सके, क्योंकि जॉब्स में आए नहीं है। और आपको जैसे पहले बात बताइए कि रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं और उससे ज़्यादा आ जाते हैं लोग, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गारी अक्सर तो ये होता है कि जिसकी जॉब पहले भी होती है वो चाहता है कि मेरी और अच्छी हो जाए, वो भी उधर अप्लाई कर देते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा। और ठीक, थैंक यू सो मच। नज़ीन हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या आपका? अहमद अहमद। आप भी फाइनेंस के स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं IEEE का स्टूडेंट, एनर्जी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। अच्छा, तो आप अपना स्कोप क्या देख रहे हैं? आप समझते हैं कि इसमें कारोबार करना चाहिए या आपको जॉब्स करनी चाहिए? पाकिस्तान में बेसिकली 60% यूथ है, तो हमारी हुकूमत को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि यूथ के लिए इनको बेसिक सेंटर्स बनाए, ताकि वो वहाँ पे जाके डिजिटल स्किल्स सीखें और अर्निंग स्टार्ट करें। भी आपको पता है फाइबर जो है 450 बिलियन, यानी कि उस 450 बिलियन लोग वहाँ से अर्न कर रहे हैं, हमारा कितना, हम अभी 3 बिलियन पे है। बांग्लादेश हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है, उसकी IT एक्सपोर्ट जो है वो 64 बिलियन से भी ऊपर चली गई है, हमारी 3 बिलियन। हमारी हुकूमत अब गई है बाहर के मुल्क जिनीवा कॉन्फ्रेंस पे, वहाँ से 10 बिलियन लेके आई, क्या एक वीक है। वही अगर हम अपनी यूथ को सपोर्ट करें, हमारी यूथ बाहर अपनी IT एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करें, तो हम दूसरे ममालिक की तरह बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक, तो यूथ को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत ने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं लेकिन हमारी यूथ ही नहीं करना चाह रही, इसमें हमारी यूथ का भी फॉल्ट है। क्या काउंसलिंग होनी चाहिए यूथ की? कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। हमारी यूथ है यूनिवर्सिटी में, वो ट्रस्ट नहीं कर रही हुकूमत पे, क्या वजह है? हमारी यूथ है, उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो वो 50 डिपार्टमेंट में अप्लाई करती है, यानी उसकी कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं है। वो कहती है मेरा जिसमें नाम आ गया मैं चला जाऊँगा, यानी उनका पैशन नहीं है। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। हमारा एजुकेशन सिस्टम लीडर्स नहीं निकाल रहा, रट्टे वाले बच्चे निकाल रहा है।
चिन्हटा लगाते हैं, फ्यूचर में जाएंगे आगे जॉब्स तो वैसे भी नहीं है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ पड़ा है, बैंकक्रप्ट है, कोई जॉब नहीं है। ये अभी तक हमारे पास पेपाल है, पाकिस्तान का हाल है ये देख लें, पेपाल नहीं आ सका यहाँ तक, आज तक पेपाल आ जाएगा आपका बैंकिंग सिस्टम सारा बंद हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो कारोबार नहीं किए जा रहे उसकी वजह क्या है? कारोबार एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ी एक फील्ड है, अगर हम इसको समझे ना तो हमें इसमें स्टार्ट लेने के लिए बेसिकली क्या है, आपके पास लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में बैठ के बाहर से आप मिलियन डॉलर सैलर बन सकते हैं, कि नहीं कर रही है हमारी यूथ, टाइम वेस्ट कर रही है, यूनिवर्सिटी आते हैं घर चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं हमने क्या करना है फ्यूचर, सबसे बड़ा फॉल्ट है। इसमें हुकूमत को चाहिए कि इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि उनके अंदर भी स्किल, उनको पता हो गया हमारा फ्यूचर है इस फील्ड में, हम इस फील्ड में जाएं, हमने बस एक दो फील्ड्स पकड़ी हुई हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसके अलावा भी बहुत फील्ड्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमारी यूथ आगे जाए। वहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट होनी चाहिए, जॉब्स हमें खुद क्रिएट करनी चाहिए, जॉब्स बहुत है, बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेज है, अमेजोन है, उसके अलावा ईबे है, इंटरनेशनल मार्केट ओपन है। हाँ, तो पाकिस्तान में वो तब भी आएंगे जब हमारी यूथ इंटरेस्ट डेवलप करेगी, हमारी यूथ ही नहीं इंटरेस्ट डेवलप करी, हम गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमारा स्टूडेंट उसका नेगेटिव यूज़ भी करते हैं, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे हमारी यूथ नेगेटिव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ नहीं होती। थैंक यू सो मच नाज़रीन, इनका ये कहना था कि करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और स्टूडेंट्स को प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए जहाँ पर उसकी काउंसलिंग भी की जा सके, जब वो ज्वाइन कर रही है किसी भी डिपार्टमेंट को उससे पहले उसकी काउंसलिंग की जाए, और जब वो बाद में जॉब मार्केट के लिए निकलती है तो उसके लिए भी कौन कौन से मौके उसके लिए अवेलेबल हैं उस पर बात की जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? इसरा रियाज। अच्छा इसरा, ये बताएं कि आप क्या पढ़ रही हैं यहाँ पर? मैं बेसिकली एमएस कर रही हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, आई एम अ हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप डिजाइनर। आज का हमारा सवाल ये है कि नौजवानों को कारोबार करना चाहिए या जॉब्स करनी चाहिए? बेसिकली पॉइंट ये है कि फ्रीलांसिंग एज अ बिजनेस में ही आ जाती है, तो स्टूडेंट्स को फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहिए। जॉब्स, अगर जॉब्स बेसिकली आपके कंपैटिबिलिटी के हिसाब से अगर आपको मिलती है तो आपको करनी चाहिए, यानी कि अगर आपको कम सैलरी पे कहीं पे भी हायर कर रहे हैं तो आपको वो नहीं करनी चाहिए, इससे हमारी इकोनॉमी भी डाउन होती है। वैसे भी इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज अब अवेलेबल नहीं है जी, और ग्रेजुएट्स आजकल निकल रहे हैं लेकिन उनका ये है कि उनको जॉब्स नहीं मिलती, वो कम पैसों में भी काम करना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए उनका अपना भी स्टैंडर्ड लो होता है और वो पाकिस्तान के जो इकॉनमी है उसको भी डाउन करते हैं। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं तो आप उसको अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रिपेयर करते हैं, यू ऑल्सो हैव इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, उसके बाद आप के पास कहीं पर भी कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी भी जगह आप चले जाते हैं आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने लिए फ्रीलांसिंग के लिए तैयार करना पड़ता है, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है, खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल से। उसका ये होता है कि जब आप हमारे सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एक एक बंदा इंडिविजुअली फ्रीलांसिंग की तरफ आएगा, हमारी मुल्क की इकोनॉमी भी बेहतर होगी, स्टूडेंट्स के अपने कंडीशंस भी अच्छे होंगे और मतलब उनके फाइनेंशियली सपोर्ट। तो आपने पर्सनल अप्रोच की बात की, गवर्नमेंट को इसमें क्या रोल प्ले करना चाहिए? गवर्नमेंट को इसमें करना चाहिए कि जो ये टैक्सेस लगाते हैं उनको ये रिमूव करने चाहिए। अब हम फ्रीलांसिंग करते हैं वो अब हम इतने ज़्यादा टैक्सेस पे करते हैं, मतलब वो पहले फाइवर तो वो तो चले उनका तो राइट बनता है कि टैक्स लेते हैं, लेकिन हम पायनियर से टैक्स, पायनियर पहले टैक्स डिफरेंट बैंक अकाउंट से जो कि अटैच होते हैं पहले इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के साथ, तो उनको चाहिए कि अपने टैक्सेस कम करें, जो ये 25% ऑलमोस्टली आता था 40% हो जाता है, तो कम अज़ कम 15-20% ओवरऑल टैक्स होना चाहिए, ज़्यादा इस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स को इसमें ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए जो है ये टैक्स का जो रेट है इसको कम होना चाहिए, टैक्स का रेट इनको कम होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, नज़रीन। एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। मोहम्मद फ़ाइज़ मेरा नाम है, शोबा बलागियात मैस कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है और मैं मास्टर का स्टूडेंट हूँ और तकरीबन मेरा लास्ट सेमेस्टर है। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि कारोबार करना चाहिए या जॉब्स करनी चाहिए? डिपेंड करता है कि इंसान अगर दो नंबर तरीके से कर रहा है तो सरकारी जॉब की तरफ जाना चाहिए, जो कि आज के हमारे मुल्की हालात के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि हमारे ब्यूरोक्रेसी से लेके सब कुछ करप्ट निज़ाम एक बन चुका हुआ है। तो अगर आप हक हलाल की, जो कि हमारे दीन के मुताबिक है, उसका करना चाहते हैं तो आपको बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए,
जैसे कि हमारे तमाम पैगंबर हजरत और उसके अलावा तमाम लोगों ने बिजनेस ही किया, तो मैं बिजनेस की तरफ ही प्रेफर करूंगा अगर आप हक हलाल की कमाई करना चाहते हैं। आपने ये क्यों कहा कि अगर आप हक हलाल नहीं कमाना चाहते तो आपको जॉब्स करनी चाहिए? क्योंकि हर किसी का अपना माइंड सेट है, हम किसी को फोर्स आपने नहीं तो कर सब सकते। को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया ना, नहीं, नहीं, सारे ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसे नहीं होंगे, सारे सियासतदान भी ऐसे नहीं होंगे, सारे सरकारी ओहदेदार भी ऐसे नहीं लेकिन होंगे। बात देखें ना, आटे में नमक की नहीं होती, आटे की होती है। अब देखें यहाँ पे नमक की बात तो छोड़ ही दें बिल्कुल ना, यहाँ पे वो थोड़े बहुत लोग होंगे उनको हम माइनॉरिटी कह लेना, जो बेसिकली जो ज़्यादा लोग होंगे हम उनकी बात करेंगे। अब ज़्यादा लोगों का माइंडसेट आज के टाइम पे यही हो गया, पैसा ही सब कुछ है, सोशल मीडिया का दौर है, यूथ हमारी बहुत ज़्यादा है, तो जो माइंडसेट है तो उस यूथ को अगर वो ये समझती है कि ये सिनेरियो है इस वक्त, तो यूथ को अपना रोल प्ले करना चाहिए, यूथ को जॉब्स नहीं हासिल करनी चाहिए कि जॉब्स हासिल करें, और इसी माइंडसेट को जिसके वो खिलाफ बात कर रहे हैं उसको चेंज करने की कोशिश करें। मेरे नज़दीक मीडिया का इसमें बहुत पॉजिटिव रोल होना चाहिए, यूथ का माइंडसेट। देखिए अब जैसे कि हमारा यूथ मीडिया की तरफ बहुत रुझान रखता है, तो मीडिया का इसमें बहुत पॉजिटिव रोल होना चाहिए कि हमारा मीडिया है वो क्या पोर्ट्रे कर रहा है। मीडिया अगर लैविश लाइफस्टाइल दिखा रहा है, वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे कर रहा है, तो यहाँ के लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, एक फैंटसी वर्ल्ड में रहते हैं। अगर वो फैंटसी वर्ल्ड में रहेंगे, उनकी ज़रूरियात नहीं पूरी होंगी, तो वो हर जो कहते हैं ना कि नाजायज़ ज़रिया माश की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से एक कहते हैं ना कि डिसबैलेंस मुल्क के अंदर पैदा होता है। तो मेरे नज़दीक यही है कि मीडिया का इसके अंदर ज़्यादा पॉजिटिव रोल होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू यूथ। यूथ के ऊपर जब मीडिया पॉजिटिव रोल पोर्ट्रे करेगा, देन हमारी यूथ जो आगे रोल जो है वो पॉजिटिव पोर्ट्रे करेगी। इससे पहले आपने कहा कि जॉब्स के बजाय जो है आपको कारोबार की तरफ जाना चाहिए, तो हर कोई कारोबार तो नहीं कर सकता, हर एक की एक्सेस टू कैपिटल तो नहीं है? नहीं, इस तरह नहीं होता, काम छोटे से ही शुरू होता है। आप देख लेंगे बहुत से बड़ी छोटे से काम के लिए भी आपको पैसा चाहिए, छोटे से काम के लिए भी यही चाहिए ना। कि आप देखें कि जो बहुत बड़े से बड़े बिजनेसमैन आप जिनको उठा के देख लें, जो बिल्कुल ज़ीरो से जिन्होंने किया, हर कोई सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ। आप देख लें कि आपके सामने ही हमारे जो इस टाइम मुल्क के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मलिक रियाज़ हैं, वो एक ठेकेदार थे आम से, तो आज उनको देखिए वो बिज़नेस टाइकून है, पाकिस्तान के नंबर लीडिंग टाउन है, बैरियर टाउन है, उसको वो होल्ड करते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, एक आम इंसान ज़ीरो से उठ के 100 तक जा सकता है, तो हर कोई जा सकता है। ठीक, थैंक यू सो मच जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान क्या पढ़ रहे हैं आप? एमफिल प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर। प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आप क्या समझते हैं कि कारोबार करना चाहिए या मुलाजमत की तरफ जाना चाहिए नौजवान नस्ल को? डिपेंड करता है कि या तो इंसान अगर एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता है या उसको बहुत ज़्यादा नीड है, तो फिर वो जॉब करे या एक्सपीरियंस लेने के लिए, लेकिन मेरी नज़र में जो है वो कारोबार ज़्यादा बेहतर है। ठीक, तो कारोबार के लिए तो आपको बैंक्स की तरफ जाना पड़ेगा, तो बैंक्स से आपको कर्ज़े आसानी से मिल जाएंगे? नहीं, कर्ज़े मेरे ख्याल में कर्ज़े की तरफ नहीं जाना चाहिए, इंसान ख़ुद से स्टार्ट करे, थोड़ी सेविंग करे। हर किसी के पास तो पैसे नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल नहीं होंगे, या तो उसका कोई रिलेटिव हो जो उसको सपोर्ट करे उस पर ट्रस्ट करके, लेकिन मेरे ख्याल में मतलब ये तो डिपेंडेंट होने की बात हुई ना। हाँ, आप इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं डिपेंडेंट होने के तरीके से। हाँ ये है, लेकिन बैंकों में फिर या तो कर्जा हो सूद के बगैर, ठीक है, एक बंदा कम इंटरेस्ट रेट पे एक बंदा कर्ज लेता है, उसका सूद जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको फॉर एग्जांपल नुकसान हो जाता है, वो फिर दोबारा से वो बैंक का भी लोन चुकाने में जो है ना वो कामयाब नहीं होता। ठीक, तो हुकूमत को इसमें क्या करना चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि इसमें कर्जे दे इंटरेस्ट के बगैर, जो कि इंटरेस्ट के बगैर तो बैंक्स नहीं चल सकते, ये तो एक कॉमन सी बात है, क्योंकि जो सूद के बगैर कर्ज है वो चाहे हम उसको शरई निज़ाम के तौर पर कह लें, अगर हम शरई बैंक्स जो हैं उनकी तरफ भी जाएं तो वो भी आपको इंटरेस्ट रेट के साथ देते हैं। बिल्कुल, ठीक है, नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जो बैंक्स हैं वो ऐसे काम करते हैं, तो कम इंटरेस्ट रेट एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, स्टूडेंट्स को जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पे जो है वो कर्ज़े दिए जाने चाहिए ताकि वो अपने कारोबार शुरू कर सकें। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अभी तक जिन भी स्टूडेंट से हमने बात की उनमें ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि कारोबार जो है वो नौजवान नस्ल के लिए बेहतर है, और ज़्यादातर लोग जो IT से या मीडिया से जो है जिनका ताल्लुक है वो ये कहते हैं कि आपको फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहिए, एक अच्छी ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाती हैं और इस तरह कारोबार के मौके भी बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादातर यूथ का रुझान हमें जो नज़र आ रहा है वो कारोबार की तरफ नज़र आ रहा है। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर आम आवाम से जानेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं आवाम के दरमियान, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा मुल्की मौशी सूरत हाल में क्या बेहतर ऑप्शन होगा, मुलाजमत या फिर कारोबार को इख्तियार करना। आइए बढ़ते हैं शहरियों की तरफ। नाज़रीन हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्र अल्लाह का। आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त मुल्क की मौशी सूरत हाल है उसमें मुलाजमत करना ज़्यादा बेहतर है या कारोबार करना ज़्यादा? दोनों ही काम इस वक्त मजबूर हो गए। अच्छा, मुलाजमत करना भी मुश्किल है और अपना कारोबार करना भी मुश्किल है। क्यों भाई? मुलाजमत तो रखेंगे ना, कोई अपना काम वसी होगा या सही होगा। आज मार्केट में जाएँ, लोगों ने अपने अगर कोई 10 मुलाजमत रखे हुए तो उन्होंने 5 कर दिए हुए सिर्फ माशियाती वजह से। कारोबार इस वक्त बहुत डाउन है, लोग परेशान हैं, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। तो हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे? हुकूमत से डिमांड करेंगे हुकूमत सही तरीके से करें, हर तरीके का कानून पे कारोबारी लोगों को क्या फैसिलिटेट करें, कारोबारी क्या सहूलतें दें? सहूलतें कारोबार को हमारे जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनको सहूलतें ये होनी चाहिए कि भाई जब भी महंगाई कम हो जाएगी ना तो कारोबार अपने ऑटोमेटिक बेटा सही हो जाएगा। आप समझदार हैं, आप हमारे से पढ़े लिखे जाते हैं कि महंगाई जो है वो कम कर कम हो जाए, कारोबार भी आप ही वसी हो जाते हैं। देखो ना, जब किसी के पास पैसे होंगे तो वो चीज़ भी खरीदेगा। तो हमारे आदमी के पास पैसे ना, आटा नहीं मिल रहा, आटे का कितना बहरान है, वो अपनी अपनी पड़ी हुई, उनको आटे का कोई पूछ नहीं रहा, लोग धंधे खा रहे हैं। जो जिनके पास पैसे थोड़े बहुत है वो महंगा लेकर भी खाई जा रहे हैं। जब महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे ना तो ये सारे मामले सीधे हो जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इनका कहना था कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे तो हमारे मामलात यानी कारोबारी मामलात जो हैं वो खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। क्या नाम है आपका? मलिक जमाल। अच्छा जमाल भाई, ये बताएं कि कारोबार आपका कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। तो क्या हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे? हुकूमत से डिमांड है कि महंगाई कंट्रोल करे हुकूमत, ताकि लोगों को मैं सख्त होगा कुवत खरीद हो। अभी सुबह की 8:30 बजे की दुकान खुली हुई है, आपके सामने बाजार का पसंद गया तो माशाल्लाह किराया रेंट है मुलाजम है, 300 रुपये की सुबह की सेल है मेरी, सुबह की सेल 300 रुपये की है। तो इस वक्त आप नौजवानों को क्या मशवरा देंगे कि वो कारोबार करें या फिर मुलाजमतें करें? मुलाजमत भी करेंगे, मुलाजमत तो बेहतर है लेकिन वो कारोबार में आजकल बहुत नुकसान है। मुलाजमत बेहतर है, वो कारोबार हो ना हो, दुकानदार हो या कोई भी हो, सरकारी हो तनखा उसको मिल जानी है, उनको उनके साथ कोई डेट में नहीं है। आजकल पिस रहा जो दुकानदारी पिस, ताजर पिस जा रहा, बहुत ज्यादा पिस रहा। ठीक है, तो हुकूमत को क्या चाहिए? एक तो महंगाई कंट्रोल करे लेकिन उसके साथ साथ कारोबारी तबके को इस वक्त क्या रिलीफ चाहिए? सहूलतें चाहिए हमें, सहूलतें, सहूलत सबसे पहली सहूलत आ जाती है ये महंगाई में, उसके अलावा जो टैक्स वगैरह बे जल लग गए इतने लग गए कि आप सोच नहीं सकते। एक होता ना कि एक मिसाल का आप माचिस ही ले लें, टैक्स ऑलरेडी लगा ही हुआ, उसके ऊपर फिर लगा देंगे सेल टैक्स फलाना टैक्स जी या सी या टी या किस किस को हम पूरा करेंगे। अभी एक दुकान का बिल आया 80 यूनिट चला है तो 5,000 बिल है, किस तरह चलेगा निज़ाम? अच्छा, एक कारोबार जब शुरू करना होता है तो तब पैसे चाहिए होते हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? अगर एक कुछ लोग जो हैं वो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो हुकूमत की तरफ से क्या रिलीफ मिलना चाहिए? क्या उनको सस्ते कर्जे मिलने चाहिए? क्या जो हमारे बैंक्स हैं उनको ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा तादाद में होंगे तो आवाम के पास सहूलतें ज़्यादा आएंगी? सहूलत होनी चाहिए, ताजर को सहूलत होनी चाहिए, माहवारी में सहूलत होनी चाहिए। एक अगर मिसाल के तौर हम कर्ज ले भी लेते हैं उनसे तो सारी ज़िंदगी ताजे कर्ज देना पड़ता है, क्योंकि सूद आ गए इतना होगा, सूद खत्म होना चाहिए बस हमारे। हाँ जी, इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, उस वक्त होगा जब सूद इंटरेस्ट रेट कम होगा हमारा मुल्क ऑटोमेटिक खुशहाली हो जाएगी। उस सबसे मेन जो इशू बना हुआ है ना वो महंगाई है, हुकूमत को चाहिए सिर्फ महंगाई कंट्रोल करे, बाकी ऑटोमेटिकली हर चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। अब अगर मुल्क ऑटोमेटिक खुशहाल हो जाएगा, महंगाई कंट्रोल करवाएं जिस तरह भी हो, महंगाई कंट्रोल करवाएं, महंगाई बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है। आप क्या समझते हैं जो अभी इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल है, लोगों को कारोबार करना चाहिए या मुलाजमतें करनी चाहिए? नहीं, कारोबार वाले भी मर गए हैं तो दूसरे भी मर गए हैं मुलाजम भी, जो सरकारी मुलाजम उनको तनखाएं नहीं मिल रही तो कहाँ से करेंगे कारोबार करेंगे? जो कारोबार है सुबह के बैठे हैं, उन्हें अब करिए मजदूरी। अब हमने दो चीज़ें बेची हैं जान माले, यहाँ पे इसका दुकान का किराया 60-70 हज़ार रुपया है और घर का खर्चा, ये कहाँ से पूरे करेंगे?
पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हुक्मरानों का, इनका खुदा बेड़ा गर्क करे और मुल्क को अल्लाह ताला बचाए। जो बुरान में इन्होंने ले आए हैं, कभी वो कह रहा बाजुआ, वो कह रहा नवाशी में कर गया, वो कह रहा साबित तो करो ना कोई चीज़ जो हो रही है। यहाँ तो किसी ने चोरी करी तो उसको साबित करो, सारी वाम के आगे लाओ, सारी वाम उसको मारेगी, चित्र मारेगी उनको। तो इस वक्त नौजवानों को आप क्या कहेंगे कि वो मुलाजमतें करें या कारोबार? नौजवान मुलाजमत करेगा, कारोबार करे अपने बेहतर है, कारोबार वाला बंदा बेहतर रहेगा। मुलाजिम ने तो उसकी जो दिहाड़ी मिलनी है, जो मकान मिला, शादी होगी उसकी, उस बेचारे ने कहाँ से पैसे पूरे करने हैं? तो कारोबार के लिए तो पैसे चाहिए, वो तो पैसे कहाँ से आएंगे? जब करेगा हुकूमत दे, हमारी गवर्नमेंट जैसे इंग्लैंड देता है, दूसरी गवर्नमेंट देती है पैसे, बैंक दे उधार दें उनको, उनसे आस्ता आस्ता काटते जाए। वहाँ तो 30 साल तक रिलीज होती है बाहर के मुल्क में, तो यहाँ तो 2 साल भी रिलीज नहीं देंगे ये। तो जो सूद की शरह है वो कम करें। हाँ बिल्कुल कम करें। और जो पेट्रोल है, अब तो शुक्र अल्लाह का ये कर रहे हैं, पहले आटा नहीं मिल रहा था, वफाक आटा देना शुरू कर दिया, हर जगह में ट्रक लगे हुए 650 का टोरा मिल रहा है, और आटा भी बहुत अच्छा दे रहे हैं ये। जो हम आटा 150 रुपये किलो लाना मैं वहाँ से, आज मैं ले गया हूँ वहाँ से यकी दौरे से, वो मिला है 650 रुपये का 10 किलो का तोड़ा आटा, बहुत प्यारा आटा है। इसलिए शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने ये काम तो कर दिया, गरीबों के लिए खोल दिया, वरना इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। बाजवा साहब कहेंगे लेके मुल्क को डूब गए हैं, इमरान खान बकौल इमरान खान के, हमारे नहीं सिपा सलार है, हम उसको नहीं बुरा कहते। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ अभी बेहतर कर रहे हैं? इंशाल्लाह बेहतर कर जाएगा, क्योंकि ये पुराने हैं, बेटी हैं, पेटी हैं, ये कम खाएंगे, जो नया आएगा तो लूट के ले जाएगा, और भी जो किसके पास है। इन्होंने 30 साल थोड़ा लूटा इनको, अवाम को तब नहीं लूटेंगे, अब इनके पास दौलत है, अब क्या करेंगे लूट के ये? अब तो इनको चाहिए लूटना नहीं चाहिए, अब तो इनको चाहिए अवाम को रिलीज देनी चाहिए। तो क्या अभी इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन का दौर नहीं है, पैसे नहीं हमारे पास, इलेक्शन कहाँ से कराएं? ये तो देखे ना, जो गवर्नमेंट देखे, जो जो नीचे वाला जनाब इमरान खान साहब को चाहिए कि ये हमारे मुल्क में कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से इलेक्शन हो जाएंगे? पहले तो कई अरब लोगों को तुम उतारो जो लिया हुआ तुमने, फिर इलेक्शन होंगे, ऐसे इलेक्शन थोड़ी हो सकते हैं, ऐसे तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क ने। अब इलेक्शन में दौरान आएंगे जो दूसरे लोग हैं वो भी परेशान हो जाएंगे। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। ओके जी। नज़रीन हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं शुक्र। नाम क्या आपका? मेरा अली। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है, उसमें आप नौजवानों को क्या मशवरा देंगे कि वो कारोबार करें या मुलाजमत करें? नौजवानों को मेरा यही मशवरा है कि वो कारोबार करें, खाने पीने का हो, कोई भी काम हो, अपने काम में फ़ायदा है, मुलाजमत में कोई फ़ायदा ही नहीं है। 40-50-60 हज़ार है, उसमें तो इतना महंगाई होगी, घी देख लें, आटा देख लें, चावल देख लें, तो उसमें बंदा 5 हज़ार का नोट जो होता है ना, वो सुबह लेके जाए रात तक उसमें पता नहीं चलता कि बाकी पैसे। हर किसी के पास कारोबार के पैसे तो नहीं होते, तो फिर आप तो लोगों को कारोबार का मशवरा दे रहे हैं? तो छोटा बेटा बिल्कुल रेडी लगा ले, कोई छोटे मोटे कारोबार कर ले, लेकिन मुलाजमत से बेहतर कारोबार ही है। छोटे कारोबार के लिए भी पैसा चाहिए? वो तो हुकूमत को चाहिए कि जो मजदूर लाएँ, छोटे लोग, गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो किसी गलत रस्ते पर चलें, उससे बेहतर उनको थोड़ी बहुत पैसे दें, तो उनके लिए कोई स्कीम निकालें तो वो अपना कारोबार करें। कर्जों की स्कीमें निकाली जाए, आसान शर्तों पे कर्जा दिए जाए, आसान शर्तों पे कर्जा दिया जाए। अब तो वो कर्जा मिलता है ना आसान शर्तों पे, वो भी नहीं होता, वो जो वाकफ होते हैं या उनके रिश्तेदार होते हैं या जो पैसे उसमें रिश्वत देता है उनको कर्जा मिलता है, आम बंदे को कर्जा मिलता ही नहीं है। बहुत सारी स्कीमें इस तरह से मुख्तलिफ जो स्कीमें बहुत सारी हैं मैडम जी, मैं खुद भी यहाँ के लाहौर के शहरी हूँ, मुझे पता है, लेकिन कर्जा नहीं मिलता, जो वाकफ है उसको कर्जा मिलता है या जो रिश्वत देता है उसको कर्जा मिलता है, आम बंदे को, आम शहरी को कर्जा नहीं मिलता। हर शहरी तक इस कर्जे की अप्रोच होनी चाहिए और सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, निज़ाम होना चाहिए, ये गरीब के लिए अलग कानून हो और अमीर के लिए अलग कानून हो, ये अच्छी बात नहीं। अल्लाह कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं ठीक हूँ, आपका नाम क्या है? हसन। हसन, स्टूडेंट लग रहे हैं? स्टूडेंट हैं जी। अच्छा, तो आपको क्या बेहतर लगता है कि इस वक्त जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है उसको देखते हुए नौजवानों को कारोबार करना चाहिए या मुलाजमत करनी चाहिए? देखें जी, पहले अब जैसे पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट आई है कि काफ़ी 60% जो लड़के थे, जो तलीम याफ्ता लड़के थे, वो बाहर चले गए, ठीक है, क्योंकि इधर ये है कि इकनॉमिक इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है इकनॉमिकली कि लोगों के पास इतने पैसे होंगे वो कारोबार भी शुरू कर सके, इसलिए पहले लोग चले जाते हैं बाहर के थोड़े से पैसे अर्न कर लें। कारोबार तो फिर इसलिए इस वजह से हो कि क्या आपके पास कोई पैसे ड्रॉबैक पड़े हों कि भाई बैक स्टेज आप अच्छा कारोबार फर्निश कर लें कि ठीक है। मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि लोगों को तलीम के जो शोब है ना उसमें ही ज़्यादा एक्सेल करना चाहिए, क्योंकि आगे कंपेटिटिव पेपर्स, कोई सरकारी सीट, बेशक सरकारी सीट में नंबर लोगों के, मतलब लड़कों के एप्लीकेंट्स के ज़्यादा होते हैं, मगर फिर भी अपने आप को लोग इतना काबिल करें कि कंपेटिटिव पेपर, जुडिशरी किसी में भी अप्लाई कर सके, किसी भी मुल्क मुल्की सतह पे अच्छे ऑफिसर लग सके। तो यानी मुलाजमत आपके लिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि कारोबार के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, आप क्या समझते हैं? मेरा ये ख्याल है कि मोस्टली स्टूडेंट जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनके पास एक तो इतना रेवेन्यू नहीं होता कि वो बिज़नेस
को संभाल सकें, कोई बिज़नेस शुरू कर सकें। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन के बाद स्टार्टअप शुरू करते हैं लेकिन वो भी नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत ने हमें अभी तक कोई स्टूडेंट लोन्स की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। अभी पिछले दिनों एक केस पता चला, इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेट्स ने स्कॉलरशिप्स खाई हैं स्टूडेंट्स की, और उसके उन पैसों से वो क्लब्स में बैठे मौजें कर रहे थे। एक मुल्क के हालात, हमारी ब्यूरोक्रेसी इस नहज पर पहुँच चुकी है, और जो डिसीजन मेकर ने, जो इस्टेब्लिशमेंट है मुल्क की, उसने हमें कोई ऐसा स्टूडेंट लोन प्रोवाइड नहीं किया, हमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती। तो इस सूरत हाल में अगर कोई स्टूडेंट अगर करना भी चाहता है, वो अपने अगर सेविंग से या किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ करके बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो ही इज़ मेंट टू फेल। ठीक, लोन अगर दिए जाएँ तो वो किन शराइत पर दिए जाने चाहिए स्टूडेंट्स? आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? लोन अगर हम स्टूडेंट्स को दिए जाएँ तो एटलीस्ट हमें एक स्टूडेंट्स के ज़हनी पता होना चाहिए कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं, कि वो कारोबार चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, उनका रुझान किस तरफ है, कि अगर वो स्टडीज़ की तरफ है या प्रॉपर ही, अगर कुछ लोग पढ़ नहीं सकते तो वो कहते हैं नहीं मैं कारोबार कर लूँगा, लेकिन ऐसे नहीं होता कि हर कोई कारोबार भी नहीं कर सकता था, इसके लिए भी आपको मेंटली शार्प होने की ज़रूरत है। तो आजकल तो वैसे भी मेरे ख्याल से बिज़नेस में भी आजकल बंदा आगे नहीं निकल सकता जो इकोनॉमिक। तो आपके नज़दीक मुलाजमत ज़्यादा बेहतर है या कारोबार? मेरे ख्याल से तो आपको मुलाजमत ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहिए, मुलाजमत करनी चाहिए। तो आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं जो कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए हुकूमत क्या करें? उनके लिए पहले तो हुकूमत स्टूडेंट लोन्स के ऊपर कोई स्टेप ले, उसके अलावा जो स्टूडेंट बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें वो फंड्स दे, कोई इस तरह की पॉलिसीज़ HEC जनरेट कर ले, या जो भी रिकग्नाइज्ड इदारे हैं, जो रेलेवेंट इदारे इस चीज़ के लिए बने हुए हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, रिसेंटली ये किया भी है उन्होंने, लेकिन वो सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए उन्होंने किया स्टूडेंट्स को, उसमें कोई वो लोन्स वगैरह नहीं दे रहे, कोई लॉन्ग टर्म अप्रोच अभी तक नहीं है किसी भी स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन की, किसी सोशल इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक लोगों को दिया जा रहा है या स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को दिया जा रहा है? स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को नहीं, स्टूडेंट तबका वैसे ही इग्नोर्ड है, लाइक मोनोपोली बनी हुई है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो तो ऊपर आ ही नहीं ना सकते, बाकी जो एजुकेशन मोनोपोली। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो बैंक्स की मोनोपोली है वो किस हद तक असरअंदाज हो रही है? बैंक्स की मोनोपोली असरअंदाज हो रही है, बैंक्स भी आप कह सकते हैं कि उनको अगर गवर्नमेंट में उनके लिंक्स हैं या उनका ऐसा वो एक एक्स्ट्रा जो कह रहे कि स्टेप लेना चाहते हैं तो वो उसमें रहरी बात, उनका अपना बेनिफिट भी होगा, वो कलेक्टिवली नहीं सोच रहे, वो इंडिविजुअली सोच रहे हैं, हर बंदा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, इकोनॉमिकली अपने बिज़नेस को फेवर करना चाह रहे हैं, और वो बाकी स्टूडेंट्स की तरफ लाइक ऑनेस्टी से कोई भी उनके मसाइल को सुनने को तैयार नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ज़्यादातर अफराद जो है वो कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन कारोबार के लिए दो चीज़ें बहुत आम हैं। दो चीज़ों में क्या है कि हुकूमत से डिमांड ये है कि बैंक्स बनाने की शराइत को आसान कर दिया जाए ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स बने, और बैंक्स के अंदर जब कंपटीशन पैदा होगा तो ऑटोमेटिकली जो आवाम है उसको उससे रिलीफ मिलेगा, और आवाम को की आसान कर्ज़ों तक रसाई जो है वो मुमकिन हो सकेगी, और हर बंदे की पहुंच तक पैसा होगा और वो अपना कारोबार शुरू कर सकता है और मुल्क की मौशी सूरत हाल में बेहतरी ला सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।